हेलो एवरीवन, आपका बहुत वेलकम करती हूँ 13 अगस्त की सैलरी शीट की क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में। और आज फिर मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्लास जो दूंगी, वो सैलरी शीट में हम नेट सैलरी कैसे निकालते हैं उसके बारे में है। अच्छा, नेट सैलरी कौन सी सैलरी होती है? मैंने आपको बेसिक सैलरी भी बताई, मैंने आपको टोटल सैलरी भी बताई, और आज बात आ गई है नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी कौन सी सैलरी होती है? नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें हमारे अकाउंट के जरिए, आजकल पहले के टाइम में हाथ वाथ में दी जाती होगी, छोटे एम्प्लॉयज को जो घर के होते थे उनका हाथ में दे देते थे, लेकिन अकाउंट के जरिए हम तक हमारे पहुंचती है। हम अकाउंट नंबर दे देते हैं, वो लोग वहां से सैलरी डिपॉजिट कर देते हैं चेक के थ्रू और जैसे भी, और हम फिर विड्रॉल कर लेते हैं, हमारे पास मैसेज आ जाता है। पहले हैंड पे होती थी, तो जो हमें हैंड ओवर होती है वो होती है नेट सैलरी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा, नेट सैलरी कौन सी सैलरी होती है जो बेसिक सैलरी में, जब TA, DA, HRA, EPF, ESI, तो ये बनती है टोटल सैलरी। फिर उस सारी बातें होती हैं ग्रॉस पे और टोटल वर्किंग, और फिर उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट ड्यूरेशन कितना था, एब्सेंट क्या था, कट अमाउंट कितना था। अब सारी चीज़ें करने के बाद जो हमें मिलेगी, जो हमें प्राप्ति होगी जिस सैलरी की, वो होगी क्या? नेट सैलरी। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई। दूसरी बात, फॉर्मूले का रूल आपको पता है, हर फॉर्मूले से पहले इक्वल और हर फॉर्मूले के बाद एंटर या कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने का फ़ायदा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एग्जैक्ट सेल पे ही हमारा कर्सर, सेल एड्रेस पे ही हमारा कर्सर जाता है, और एंटर करने से एक उसी कॉलम में एक रो बिलो चला जाता है। जैसे हम B2 पे थे, हमने एंटर किया तो B3 पे चले जाएगा कर्सर, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये हमारी जो हेडिंग है, ये P1 में था नेट सैलरी, और अभी हम P2 में निकालेंगे। O1 में हमारा कट अमाउंट था, O2 में हमने कर लिया था, जो हमने वन डे सैलरी को एब्सेंट डेज से मल्टीप्लाई किया था तो कट अमाउंट आया था। अभी हमारा P1 में नेट सैलरी है, P2 में निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? इक्वल J2 माइनस O2, कंट्रोल एंटर। इसी तरह इक्वल P3 में आएंगे डाउन एरो करके, इक्वल J3 माइनस O3, कंट्रोल एंटर। डाउन एरो करेंगे, O4 में आएंगे, इक्वल J4 माइनस O4, एंटर या कंट्रोल एंटर। क्या? इक्वल J4 माइनस O4, एंटर या कंट्रोल एंटर। यहाँ लेफ्ट पेरेंट या राइट पेरेंट लगाने की कोई मजीद ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट पेरेंट का और राइट पेरेंट कैसे लगता है वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब मैं कह रही हूँ J4 माइनस O4, J4 माइनस O3, J3 माइनस O3, J2 माइनस O2। तो ये क्या है एक्चुअली, J क्या है और O क्या है? तो जब हम ग्रॉस पे से माइनस करते हैं कट अमाउंट को, तो निकल कर आती है हमारी नेट सैलरी। क्या? जब हमारा ग्रॉस पे माइनस कट अमाउंट होता है तो क्या निकलती है? तो होती है नेट सैलरी। क्या? ग्रॉस पे माइनस कट अमाउंट, ग्रॉस पे माइनस कट अमाउंट। जो ग्रॉस पे होता है उससे जो कट अमाउंट माइनस होता है, जब हमारा ग्रॉस पे से कट अमाउंट निकल जाता है, तो वो बन जाती है हमारी क्या? नेट सैलरी। तो J2 में क्या था हमारा, J3, J4 में, सब में ग्रॉस पे, J कॉलम में ग्रॉस पे है, और O1 में हमारा कट अमाउंट की हेडिंग थी, तो O2, O3, O4 सब जगह हमारी O2, O3, O4 में हमारा क्या? कट अमाउंट है। और माइनस किससे करेंगे? डैश। तो J5 माइनस O5, J6 माइनस O6, J7 माइनस O7, और इक्वल लग नहीं है, और उसके बाद एंटर या कंट्रोल एंटर, दैट इज नेट सैलरी। इसको निकालिए,
इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको जहाँ बनाया हुआ है वहाँ पे कीजिए, और नहीं बनाई है सैलरी शीट तो ज़रूर बनाएं। बाकी कल हम डेजिग्नेशन पे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है आपके लिए, एक एक फॉर्मूला करके मैं इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट। Prediction.